राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे नए साल में 2021 में एकादशी व्रत, जो कि सफला एकादशी है, वह कब पड़ने जा रही है और साथ ही इसका साल भर पर क्या प्रभाव रहेगा, किस तरह से इसका पूजन करना चाहिए और अन्य तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले इस बार जो यह एकादशी है वह 9 जनवरी शनिवार को पड़ने जा रही है। जो भी कृष्ण प्रेमी एकादशी का व्रत करते हैं वह 9 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन शनिवार होने के कारण यह और अधिक महत्वपूर्ण और फल देने वाली होने वाली है। साथ ही पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला का अर्थ है सफलता। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसके लिए यह एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार अक्षुत की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की हम पर साल भर कृपा रहेगी, तो इस व्रत को जरूर आप शुरू करें। व्रत ना भी कर पाएँ तो इस दिन कुछ छोटे छोटे से खास उपाय जरूर करें। पद्म पुराण में पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जब युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितनी एकादशी के व्रत और अनुष्ठान से होता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए हर इंसान को। पौष माह की कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी की यह पूजा की जाती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली और एकादशी के समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जान लेते हैं इस बार 2021 में कब यह एकादशी पड़ने जा रही है। यह एकादशी इस साल नए साल में 9 जनवरी को दिन शनिवार को पड़ने जा रही है, जो काफ़ी लाभदायी और फल देने वाली है। सफला एकादशी के दिन आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। धूप दीप से देव श्री हरि विष्णु की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। रात को वैष्णवों के साथ भजन कीर्तन करके पूरी रात जागरण का विचार किया गया है। एकादशी की रात्रि में जागरण से जो फल प्राप्त होता है वह 1000 वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी हमेशा जैसा कि हर व्रत में होता है सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं कामना की भावना का त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाते हुए हमेशा श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर तिलक चंदन, वह जैसा आपको गोपी चंदन लगाते हो तो उस तरह से कमल अथवा वैजंती के फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप सहित श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। संध्या काल के समय अगर चाहें तो आप दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं, वरना तो अगले दिन जैसा कि हम एकादशी के व्रत में करते हैं द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उनको अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा वह दान देकर विदा करने के बाद भोजन करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें ऐसा माना जाता है कि श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे भी कहीं अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है जैसा कि नाम से ही है, सफला एकादशी व्रत करने से अपने जो भी कार्य होते हैं वह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की और माँ लक्ष्मी की कृपा से सारे सफल माने जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का समस्त सुख प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में
प्राप्त होता है। और साथ ही ऐसा माना जाता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक यह बताता हूँ कि इसका इतना महत्व क्यों है, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी क्यों है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं, विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जिस प्रकार नागों में शेष नाग हैं, पक्षियों में गरुण को सबसे श्रेष्ठ बताया है और साथ ही सब ग्रहों में चंद्रमा को सबसे श्रेष्ठ बताया है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अब यह जो व्रत होता है वह इस जन्म में जो जिसके भी कोई भी कार्य असफल हो रहा हो या किसी भी तरह की कोई शंका हो रही हो जीवन में या संतान संबंधी कोई समस्या हो तो उसे एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और सफला एकादशी जो कि पौष माह में पड़ती है उसका तो एक विशेष महत्व होता है, तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और साथ ही जिसके भी कोई समस्या आ रही हो किसी भी तरह की, श्री हरि विष्णु के चरणों में माता तुलसी को अर्पित जरूर करना चाहिए। यह सारे कार्यों को पूर्ण करने वाली और सफल होती है। इस वीडियो में हमने जाना कि इस साल सफला एकादशी कब है, इसकी तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में जाना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि विष्णु।